सो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे वहाँ अच्छे होंगे। तो आपकी अपनी YouTube चैनल आरके ने फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है फ्रेंड। तो आज हम बात करने वाले, अगर आपके बच्चे या आपके लड़के या लड़के सरकारी स्कूल में यानी 2 क्लास से लेकर 8 क्लास तक पढ़ते हैं, तो उन लोगों को किताब खरीदने के लिए सरकार अब सीधे उन लोगों को बैंक अकाउंट में या उनके माता पिता के अकाउंट में पैसा भेजेगी। किन किन क्लास के लड़के या लड़की को कितना रुपया मिलेगा, सारी बात इस वीडियो में बताने वाले हैं आज। चलिए बिना टाइम लिए कर देते हैं वीडियो का स्टार्ट। चैनल पर हमारे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में किसी प्रकार के क्वेश्चन हो या दिक्कत हो तो हमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बताएंगे पेपर कटिंग के माध्यम से जो कि न्यूज निकल कर आया है, हिंदुस्तान पेपर में दिया गया है, सारी बात बताएंगे किन क्लास के लड़के को कितना पैसा दिया जाएगा, कब से पैसा मिलना स्टार्ट भी होगा, सारी बात ए टू डे प्रोसेस हम बताने वाला है। तो बिना टाइम दिए कर दीजिएगा वीडियो को अभी से एक लाइक, क्योंकि एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने का। तो चलिए बिना करते हैं वीडियो का स्टार्ट। हिंदुस्तान पेपर कटिंग दिखला रहे हैं जो कि 29/8/2021 को दिया था। इसमें हम दिख रहे हैं जो फर्स्ट में हेडिंग दिखलाई दे रहा है, पहली को छोड़ पठित तक के बच्चे को इस सप्ताह मिलेगी किताब के पैसे। इस हेड में आप समझ गए होंगे। अब आइए हम आपको बारी बारी से यहां से पढ़कर सुनाते हैं क्या लिखा गया है सरकार द्वारा। राज्य के सरकारी प्रारंभिक स्कूल में 2री कक्षा से 8वीं कक्षा तक में पढ़ने वाले 1,29,06,682 छात्राओं को सोमवार के बाद किताब के पैसे मिल जाएंगे। चौथी तक के हर बच्चे को 250 रुपया जबकि 5वीं से 8वीं तक के बच्चे को प्रति विद्यार्थी 400 रुपया दिया जाएगा। पैसे बच्चे के या अभिभावक के खाते में DBT के माध्यम से भेजा जाएगा। यानी अब स्कूल में जो भी अगर अपना खाता जमा किए हैं तो आपके खाते पर जाएगा, नहीं तो आपके माता पिता का खाता जमा किए हैं तो अपने माता पिता के खाते पर जाएगा सोमवार से। यहाँ से और भी जानकारी दिया गया, शैक्षिक सत्र 2021-22 में 2री कक्षा में नामांकित 1.29 करोड़ बच्चे के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून RT एक्ट के तहत 2019 के तहत निःशुल्क किताब के मुहैया कराने पर शिक्षा विभाग 402,71,15,200 रुपये के DBT के माध्यम से देने जा रहा है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार देख ले सकते हैं, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने 16 अगस्त से स्कूल खोलने के साथ ही विभागीय अधिकारियों को 1 सप्ताह में किताब कार्य की राशि बच्चे के खाते में पहुंचाने का आदेश दिया था। शिक्षा विभाग के DBT के कोषांग से मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार के बाद किसी भी दिन राशि NIC के सहयोग से ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसके लेकर शेष प्रक्रियाएँ पूरी की जा चुकी है। पहली कक्षा में मौजूद सत्र में नामांकन लेने वाले को किताब की राशि शिक्षा विभाग 2री चरण में देंगे। यानी आप पहली में नाम लिखवाएं आपके बच्चे में तो 2रे चरण में आप उनको पैसा मिले। फ्रेंड और भी बहुत सी जानकारी यहां पर दिया गया है। चौथी तक के बच्चे को 250 और 5वीं से 8वीं तक के हर बच्चे को 400 रुपये मिलेगा। BTPC की किताब की उपलब्धता को लेकर सूचीबद्ध मुद्रकों से मांगी जानकारी। यहाँ से दिखलाई दे रहा है 2018-19 मैंने पुस्तक बनाया गया 10,24,04,699 और किताबों की बिक्री हुई 1,25,23,394। और भी यहाँ से बहुत सारी जानकारी दिया गया 2018 से लेकर 2019 और 2020 से लेकर मतलब कि किताबों की बिक्री है जो कम होती गई। इसी कारण अब सरकार सोच रही है कि आपके जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं उनके खाते में सीधा पैसा पहुँच जाए, वो अपने हिसाब से किताब खरीद लेंगे। और भी बहुत सारी यहाँ जानकारी दिया गया है जो कि आपको हम पढ़कर सुना रहे हैं। राशि पहुँचने के साथ किताबों की उपलब्धता पर बड़ी चुनौती। शिक्षा विभाग के लिए प्रारंभिक स्कूल में नामांकित करीब 1.5 करोड़ बच्चे को किताब क्रय की राशि देने के बाद बच्चे के पास किताब की उपलब्धता सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। निचले स्तर पर तक यह व्यवस्था बनानी होगी कि हर कक्षा के सभी किताबों खरीद के लिए उपलब्ध हो और बच्चे किताब खरीदें। अभिभावक अपने बच्चे के खाते में आई राशि का कहीं और उपयोग ना करें। शिक्षा मंत्री के आदेश पर बिहार टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड BTPC इसको लेकर सक्रिय हो गया है। BTPC के MD मनोज कुमार ने बताया कि किताबों की उपलब्धता को लेकर सचिवबुद्ध मुद्रकों के साथ एक बैठक की जा चुकी है, उनसे जिलों में उपलब्ध स्टाफ की ब्यौरा तलब किया है।
हर जगह किताबों की उपलब्धता के सुनिश्चित करने को लेकर यथोचित कार्रवाई की गई है। मतलब जो भी पैसा आएगा तो आप उसके गलत उपयोग में मत लाइएगा, दूसरे सामान मत खरीदिएगा, उस पैसे का किताब खरीदिएगा अपने बच्चे में, ये भी बतलाया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा था, अगर एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार का हम अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करते रहते हैं। आज के लिए इतना ही, तो चलिए कर देते हैं वीडियो को समाप्त, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और इस वीडियो में समझने में आपको किसी प्रकार का दिक्कत हुई है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर पूछ सकते हैं।